अनुपमा में आ गया है बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट, जहां पर नवरात्रि के दिन ही रोहन और समर के बीच में फाइट हो गई है। तो अब आने वाले एपिसोड में होगा बड़ा ट्विस्ट, जहां पर एक बार फिर से बचाएगा अनुज समर की जान। जी हाँ दोस्तों, अपना खून देकर बचाने वाला है समर की जान। दरअसल रोहन उसे चैलेंज कर देता है और समर भी उसे सबक सिखाने का डिसीजन ले लेता है, और वो उसे चैलेंज करता है तो वो समर भी पीछे कौन सा रहने वाला है, और वो पहुंच जाता है। दोनों के बीच में भयंकर फाइट होती है, जिसमें बड़े धोखे से रोहन उसको बुरी तरह से पीटते नजर आता है, खुद भी मार खाकर पहुंचता है अनुज के पास, जहां पर अनुज उसकी यह हालत देखकर रोहन की बहुत बुरी तरह से डर जाता है। और देखने को मिलता है कि यहां पर उसे पता चलता है कि वो समर को मार कर आया है, और उसके बाद में उसके सामने सारा सच आता है कि कोई और नहीं नंदिनी और समर को रोहन ही परेशान कर रहा था। और वो जल्दी से भागता है समर को बचाने के लिए, जहां पर वो बुरी तरह से घायल हुआ पड़ा रहता है, और उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है, जहां पर बहुत बुरी तरह से उसको ब्लड बहने की वजह से उसे ब्लड की जरूरत पड़ती है, और अनुज ही उसे खून देकर बचाता है। और अनुपमा को फोन करता है, और अनुपमा को पहले एहसास हो जाता है कि समर किसी मुसीबत में है। तो वही नंदिनी के पास में मैसेज भी आ जाता है रोहन का, जिससे पता चलता है कि कहीं समर जंगल में पड़ा मिला है, और अनुज का कॉल आ जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। और सभी घर वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर कहता है कि आपने सही वक्त पर इसे हॉस्पिटल लेकर आ गए, वरना जान भी को और भी ज्यादा खतरा हो सकता था। और यहाँ पर अनुज एक बार फिर से समर की जान बचाता है, वो भी अपनी खून देकर। और उसके बाद में यहाँ पर अनुपमा कहती है कि आप कितने एहसास करेंगे हम पर। और यहाँ पर वनराज भी इस बार तो उसका धन्यवाद करते नजर आता है कि उसने समर की जान बचाई। लेकिन वो फिर वनराज का झगड़ा शुरू होगा कि उसने वो रोहन का रिश्ता किसी और से नहीं अनुज से ही है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है रोहन और अनुज के रिश्ते का, जो कि शो में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा।